चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बेटा आज कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल के टेस्ट, है ना। तीन चार टेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चंस मिले होंगे जो अभी नहीं हुए होंगे, है ना। तो अब हो जाएंगे वो इनको करने के बाद। देखो टेस्ट ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। और कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता था, आप रिएजेंट यूज करते थे। हाँ, कौन यूज करते थे बोलो, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर कॉपर 573 केल्विन पर, याद है ना। अब यहां पे होता क्या है, देखो अगर आपके पास, मैंने बोला CH3 CH2OH, मैंने बोला आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और आप कॉपर से ट्रीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एल्कीन बन जाता है। CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन बनता है ना। हाँ, क्या बनता है फिर, एल्डिहाइड बनता है। हाँ, ध्यान देना है, CH3 सी डबल बॉन्ड और एच, साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अल्कोहल में कौन सी गैस निकल रही है, 2 डिग्री में कौन सी निकलेगी, 3 डिग्री में कौन सी नहीं निकलेगी या कौन सी निकलेगी, है ना। देखो सेकेंड, अगर आप लेते हो 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CHOH और CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल में बेटा आप लोग यूज करोगे कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3। अगेन कौन सी गैस रिलीज होती थी, H2 गैस, याद है। यहां से ऐसे H2 निकलता था, यहां से भी एक हाइड्रोजन, ये और एक हाइड्रोजन यहां से निकलता था, याद है। लेकिन जब हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CO CH3 CH3, जब हम बात कर रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस पर आप ट्रीट करते हो, तो क्या H2 गैस निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट रिलीज H2 गैस, है ना, ऑन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो कौन नहीं करेगा, 3 डिग्री। क्यों, और ये भी क्या, और क्या पूछा जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो ये अल्फा है, ये भी बीटा, और तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या बनेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनता है बेटे, एल्कीन बनता है, और क्या निकल रहा है, वॉटर निकल रहा है ना, लिक्विड लिख दू, वॉटर लिक्विड की फॉर्म में निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एग्जामिनर अपने को ऐसे ही क्वेश्चन देगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो आगे बात कर रहे हैं हम लोग हमारा डाइक्रोमेट टेस्ट, है ना। सेकेंड बी हम लोग बात करते हैं, ये तो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन हो गया, ठीक है। बी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाइक्रोमेट टेस्ट, बी इज डाइक्रोमेट टेस्ट, है ना। यहां पे एक चीज और जानोगे जो मैं आगे आपसे पूछूंगा, डाइक्रोमेट टेस्ट इज Cr2O7 2 नेगेटिव टेस्ट, है ना। अब इस टेस्ट को करने से पहले कुछ बात जानो, सबसे पहले K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, अगर आपने पोटेशियम हटा दिया तो क्या बचा, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये क्या है, ये बेटा डाइक्रोमेट। और जो डाइक्रोमेट होता है ना बच्चों, उसका कलर होता है ऑरेंज, कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, कलर याद रखना,
कलर याद रखना, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं K2CrO4, तो ये होता है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। अगर पोटेशियम हटा दिया तो क्या आएगा, Cr4 2-। अच्छा देखो सुनो, ये क्या बन गया, क्रोमेट। क्या बना, क्रोमेट, क्रोमेट बन गया। इसका कलर होता है येलो, येलो कलर। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। एक चीज और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार Cr4 2- का ना एग्जाम्पल H2Cr4 लिख के देगा, याद आया क्या, ये हमने पढ़ा है। बोलो क्या नाम है इसका, क्रोमिक, याद है, क्रोमिक एसिड। अब कमाल की बात सुनो, ये सारे के सारे, ये सब के सब क्या करते हैं, सबके सब Cr3+ आयन देते हैं। सबके सब कौन से आयन देंगे, ऑल ऑफ देम, ऐसे लिख दूं, ऑल ऑफ देम गिव्स, ये सारे के सारे, देखो ये भी देगा ये भी, यानी ये पूरे क्या देते हैं, Cr3+ आयन देते हैं। और Cr3+ आयन जो होता है इसका होता है ग्रीन कलर, क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, पता चल रहा है। तो अब अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूं, देखो मैंने बोला CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अपन लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा K2Cr2O7 से, देखो K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है, क्रोमिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और क्या करता है, एसिड बनाते हैं दोनों के दोनों। तो क्या बनेगा, CH3COOH, यानी क्या बना, एसिड बना, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड। साथ में क्या मिला, Cr3+ आयन, और इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, पता चला। दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल क्रोमिक एसिड के साथ क्या करेंगे, ग्रीन कलर देंगे, या डाइक्रोमेट के साथ ग्रीन कलर देंगे। सेकंड, अगर आपके पास CH3CHOH और CH3 है, दैट मींस दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये कीटोन बना देगा, दैट मींस CH3C डबल बॉन्ड CH3, क्या बनाया, कीटोन बनाया। साथ में ये भी क्या देगा, Cr3+ यानी ग्रीन कलर, पता चल रहा है। और अगर थर्ड, अगर मैं यूज करूं CH3COH, CH3 और CH3, दैट मींस 3 डिग्री अल्कोहल, अब क्या होगा, K2Cr2O7H+, ये इसका नो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा ही नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराते, याद है, अगर कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देगा, तो क्या Cr3+ आयन बनेगा, नहीं हो रहा, यानी प्लस नो ग्रीन कलर, कोई ग्रीन कलर नहीं आएगा, नो ग्रीन कलर, कोई ग्रीन कलर नहीं है। अगर क्रोमिक एसिड होता तो क्या बनता, क्रोमेट एस्टर बनता, तब भी क्रोमियम इंक्लूड हो जाता और Cr3+ आयन नहीं बनता। बताऊं क्या, कैसे बताऊं, यहां बता देता हूं। देखो अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल था तो क्रोमेट एस्टर कैसे बनता था, CH3 और O, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, दिस इज क्रोमेट, हाँ क्रोमेट एस्टर। एक क्रोमेट एस्टर कब बनता था, जब यहां पर क्रोमिक एसिड हो, कौन हो, क्रोमिक एसिड हो। अब क्रोमेट एस्टर में क्या हुआ, ये जो क्रोमियम बार बार, देखो ये जो क्रोमियम था बार बार बाहर निकल जा रहा था, देखो दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्रोमियम मॉलिक्यूल के अंदर ही रह गया, एस्टर बना लिया, बाहर नहीं निकला। और अगर क्रोमियम बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब वो ग्रीन कलर नहीं देगा, समझ आया, फटाफट से इसको नोट करो जरा।